ठीक है, चलिए, क्योंकि आप गांव में जाते हैं तो एकदम मायूसी बनी रहती है, कुछ करना चाहती है लेकिन कहीं कुछ दिखता है, लेकिन वो कमी दूर करिए जो आप यहाँ कुछ देर बैठ लेने पर नवीन स्फूर्ति, स्फूर्ति मतलब कि एकदम ताकत, ताजगी आप में आ जाए, मतलब जो आप में कमियां है वो आलसपन है वो आपका दूर होगा। फिर है आप एक साधन, मेरा नाम रिंकू गौतम है और मैं बेलवा चौराहा से आई हुई हूँ। यहाँ कृषि विज्ञान में मैं काफी जानकारी ले चुकी हूँ, सिलाई कढ़ाई यानी गैर ग्राट का जो होता है उसका भी मैं प्रशिक्षण कर चुकी हूँ और यहाँ से काफी मुझे जानकारी मिलती है। मैं कभी कभी साइकिल से भी आती हूँ, कभी महिलाओं को भी लेकर आती हूँ और जो सैसी दीदी हैं वहां से मुझे जानकारी इनसे मिलती है, तो मैं गांव की महिलाओं को भी बताती हूँ और स्वयं मैं अपनी दुकान भी चलाती हूँ और जो सजावट का है वो भी मैं खुद करती हूँ। पूरे देश भर में जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं या जितने भी कृषि संस्थान हैं, हर जगह आज के दिन, आज का जो 15 अक्टूबर का दिन है, इसको महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें महिलाओं को खेती में क्या उपयोगिता है, उनकी क्या क्या संभावनाएं हैं और कहाँ कहाँ कमियां रह जाती हैं, उसके बारे में उनको अवेयर किया जा रहा है, उनको जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ उनको 2-3 हम लोग कार्यक्रम रखे हैं, एक पुरस्कार भी देंगे उनको, एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा है, साथ ही साथ उनसे प्रश्नोत्तरी किया जाएगा और भी जो संबंधित कार्यक्रम है वो